आज हम बनाने जा रहे हैं अपने छोले, जो कि बहुत ही डिफरेंट और आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे वेजिटेबल्स को ले लेना है हमें। यहाँ पे वेजिटेबल्स को यानी अपने आप जो यूज़ करते हैं छोले बनाने के लिए, टमाटर, प्याज, मिर्च, सबको बिल्कुल भी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कट करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं या तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको दो पार्ट करो या चार पार्ट करो, जितना बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में भी करोगे तो फिर चलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्याज को दो टुकड़ों में कर दोगे फिर भी हमारा काम चल जाएगा, बट यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मैं चार से पांच पीसेस में इसको कर दूंगी। टमाटर को अभी आप दो नहीं तो फिर तीन पीसेस में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दो मिर्च ले लिया है, आप चाहो तो मिर्च जैसा भी आप तीखा पसंद करते हो उसके हिसाब से आप ये मिर्च ले सकते हो। हमारा प्याज कट गया है, टमाटर को भी जो भी थोड़े दो पीस थे, जो दो पीसेस थे उनको हम लोगों ने चार पीसेस में कर लिया है, कि आगे चल के आज के प्रोसेस में आपको समझ में आएगा कि हमने बड़े बड़े टमाटर क्यों क्यों काटा है। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ काबली चना ले लिया है। गाइस आप नए चने का यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, पुराने चने अगर आप यूज़ करोगे तो वो पकने में थोड़ा टाइम लगता है और वो थोड़े हार्ड भी बनते हैं। यहाँ हम लोगों ने जो टमाटर काटा था वो डाल दिया, प्याज जो काटा था वो भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें आपको और ये जैसा भी है, जैसा काटा आप चाहो दो पार्ट्स में भी करके डाल सकते हो। ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च जैसा आप पसंद करते हो वैसा डालो। दालचीनी डाली है, बड़ी इलायची डाली है, लौंग डाला है, आपका ये भी लीव्स डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। ठीक है, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप नमक डालो फिर उसके बाद जब हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद टेस्ट करके आप इसके हिसाब से डाल सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मेन पॉइंट, यहाँ पानी आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, पानी उतना ही ऐड करना है जहाँ पे आपका ये जो चना है उसके ऊपर तक, वेजिटेबल्स के ऊपर तक नहीं ऐड करना है। 6 से 8 सीटी मैं यूज़ करती हूँ, आपको आपको पता होगा कि आपके कुकर में कितनी सीटियाँ आती हैं, उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। मीनवाइल हम क्या करेंगे, इसके कलर के लिए चाय की पत्ती में, मतलब जो दुगना इतना खौलाना है कि चाय की पत्ती आपकी आधी हो जाए, उस वो भी हम तैयार करेंगे। आप यहाँ देखो कि ये हमारा बन के तैयार हुआ है, 6 से 8 सीटी लगी है। यहाँ पे देखो जो मसाले हैं उनका काम पूरा हो चुका है, तो हम उन मसालों को निकाल लेंगे। अरे टमाटर के छिलकों को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर वो गल नहीं पाते हैं। ठीक है, टमाटर के छिलके निकाल लेते हैं, तेजपत्ता निकाल लिया, जो भी मसाले थे एक्स्ट्रा वो हम निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये जो आपका प्याज है और टमाटर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, हमें इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको मसलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जैसे हाथ से चलाएंगे तभी ये अपना मसल जाएगा। इसको गैस पर रख दिया है, अब इसमें ऐड करेंगे ये आपका जो चाय वाला पानी था, जितना पानी था उसको हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ऐड करेंगे, चना या छोले मसाला आप जो भी जिस ब्रांड का पसंद करते हो, लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अब देखो गाइस इसका कलर जैसा आप चाहते हो वैसा कलर आना स्टार्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप इसको चलाइए, थोड़ी देर तक आप इसको रख दीजिए कि इसको थोड़ा पानी गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, आप एक बार चेक कर लो जितना हमने पहले डाला था, अब आपकी जितनी सब्जी है उसके हिसाब से। थोड़ा सा गर्म मसाला, अब हमारा ये चना लगभग होके, छोले लगभग होके तैयार है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है और लास्ट में मैंने डाला इसमें कसूरी मेथी। आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, यानी लगभग आप अपनी थिकनेस के अनुसार रखिए, जिस तरीके का आपको थिक पसंद है, थोड़ा पतला पसंद है, राइस के साथ खाना चाहते हो, जैसे आप पसंद करते हो उसके अनुसार इसको रख सकते हैं। ये हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें से कुछ चनों का ना आप थोड़ा सा अपने जो भी आप कलछुल यूज़ करते हो या जो भी उससे यूज़ कर उससे आप थोड़ा सा मसल दीजिए, ये और ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने इसमें लिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा हींग डाला, जीरा डाला और जिंजर यानी आपके अदरक का टुकड़े डाले। आप चाहो तो ये तड़के वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है तड़का, बट इससे थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहो तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा और कलर आएगा। मैंने सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसके बाद अपने छोले को इसमें मिक्स कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये थिक हो चुका है। ठीक है, हमारे छोले बनकर तैयार है, आप इसको पूरियों से खाइए, रोटी से खाइए, राइस से खाइए, ये आप देख सकते हो कलर इसका, फ्लेवर बिल्कुल ही मार्केट जैसा है। थैंक यू गाइस, कॉमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको।